1947 से 1950 तक भारतीय सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के सिक्के चलाए। आजादी के पहले भारत में तीन टकसालें थीं, जो कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में स्थित थी। मुंबई की टकसाल का चिन्ह हीरा था, जबकि कोलकाता की टकसाल का कोई चिन्ह नहीं था। हैदराबाद की टकसाल में कई तरह के चिन्ह उपयोग में लाए गए। पहला विभाजित हीरा, दूसरा हीरे के बीच बिंदु और तीसरा पांच कोण वाला तारे का चिन्ह। इनके अलावा भी साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के सिक्के बनाए जाते थे। 1950 के बाद सिक्कों में ब्रिटिश चिन्ह सिंह को हटाकर मक्का और सिंह का चिन्ह अंकित कर दिया गया। ये चिन्ह प्रगति और विकास के प्रतीक थे। सिक्कों के अग्रभाग में सिक्के का मूल्य, जबकि पृष्ठभाग में अशोक चिन्ह के चारों सिंह अंकित थे, जो शक्ति, हिम्मत, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जबकि अशोक चिन्ह के नीचे चक्र का निशान भी था, जो प्रगति का प्रतीक है। हालांकि सिक्कों का मूल्य अभी भी पुराना ही था, लेकिन उनको बनाने के लिए अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। वैसे तो मुद्रा इंसान की सभ्यता की शुरुआत से ही उसके साथ जुड़ी रही है। कमोबेश जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, मुद्रा के रूप बदलते गए। पेपर करेंसी भी दशकों पहले सामने आई थी, और अब जिस तरीके के परिवर्तन आज़ादी के बाद हुए, पहले मुरारजी देसाई के समय और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, इसको लेकर हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी हैं, जिनसे जानेंगे कि मुद्रा का आखिर इतिहास क्या है, भारतीय मुद्रा का इतिहास क्या है। सर स्वागत है इंडिया 24/7 के साथ बातचीत में। क्या इतिहास है सर? लोग अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी जरूर चाहते हैं, पर इतिहास की जानकारी अगर हो तो वर्तमान को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो मेटल के सिक्के होते थे वो उनके साइज कभी चौकोर पाएंगे, कभी गोल पाएंगे, कभी मोटे पाएंगे, कभी पंच सील उसके ऊपर हुआ करती थी। तो ये आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको जगह जगह पे छोटे छोटे मिलेंगे, और उन्होंने अपनी अपनी टकसाल बहुत रफ रंग की बना रखी थी। इवन लखनऊ के अंदर भी टकसाल हुआ करती थी, जो लखनऊ के चौक के अंदर टकसाल मोहल्ला कहलाता है। यहाँ पर वाजिद अली शाह ने भी अपने नाम से सिक्के निकाले थे, यहाँ पर सात अली खान ने अपने नाम से सिक्के निकाले थे, यहाँ पर शेरशाह सूरी ने भी ढाले थे सिक्के। तो आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी को क्या ज़रूरत थी यहाँ पर ढालने की, लेकिन वो जहाँ पर भी उनको सुविधा होती थी वहाँ पर ढालते थे। तो सिक्का जैसे फ्लैग होता है, वैसे सिक्का फैलने थोड़ा देता है, और सिक्का जब पब्लिक एक्सेप्ट करती है, इसके मतलब पब्लिक हमको, दे आर एक्सेप्टिंग मी माय अथॉरिटी एज अ किंग, एज अ रूलर। तो दैट वाज ऑल ओवर द कंट्री, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज देयर हिंदुस्तान। जैसे एक रुपए, आधे रुपए और चौथाई रुपए के लिए निकल का इस्तेमाल किया जाता था, और दो आना, एक आना और आधा आना के लिए क्यूपरो निकल का इस्तेमाल होता था, जबकि एक पैसे को बनाने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया जाता था। इन सिक्कों को साल 1957 तक चलाया गया, और 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, जिसके बाद आना मूल्य वाले सिक्कों को हटा दिया गया। बार बार बात होती है मुद्रा की कीमत की, वैल्यू जो उसकी होती है, इसका निर्धारण एक प्रक्रिया है, मतलब मॉडर्न इंडिया में तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रिया पहले क्या थी और अब क्या प्रक्रिया है? जब सिक्के चला करते थे एकदम शुरू के अंदर, जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, बार्टर सिस्टम के बाद में वो नाइफ फाइव से शुरू हुआ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, नाइफ और स्पेड जो होता था उसको एज अ करेंसी यूज़ होता था, जो चीज़ भी यूज़फुल होती थी, जैसे गाय यूज़फुल होती थी, अनाज यूज़फुल होता था, तो बार्टर होता था। बार्टर करने के बाद में फिर आपको ये मनी आया, तो मनी में कौड़ी वड़ी आ गए, बीच के अंदर आ गया, हर दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग ढंग से। उसके बाद में फिर जब मेटल आया, तो मेटल इसलिए उसको एक्सेप्ट किया पब्लिक ने, क्योंकि राजा भी जब इशू करता था, रूलर जानता था कि पब्लिक क्यों इशू किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे, जब उसकी वैल्यू हो। और स्पेशली जब सोना चांदी आया तो वो 100% उसका मूल्य उतना ही होता था जितना कि बाजार के अंदर होगा ऑलमोस्ट, तो इसलिए पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती, सोने के, चांदी के, इसके सिक्के हुआ करते थे। अब सिर्फ रुपए और पैसे मूल्य वाले सिक्कों को जारी रखा गया, और इन सिक्कों को नया पैसा कहा जाने लगा। अब इस प्रणाली के तहत कई तरह के मूल्य वाले सिक्के और नोट बनाए गए, और उसमें सबसे छोटा था एक पैसा। इसके अलावा दो पैसा, पांच पैसा, दस पैसा, पचास पैसा और एक रुपए के सिक्के बनाए गए। इसके अलावा उसके ऊपर की मुद्रा को नोट में बनाया गया। 1960 के दशक में तीन पैसा, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के भी चलाए जाते रहे। सिक्कों में भी पुराने सिक्कों की तरह अलग अलग धातुओं का उपयोग किया गया था। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के लिए निकल का इस्तेमाल किया गया था, और उनका वजन 10 ग्राम, 5 ग्राम और 2.5 ग्राम था। 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के को बनाने के लिए क्यूपरो निकल का इस्तेमाल किया जाता था।
जिनका वजन 3 ग्राम, 4 ग्राम और 5 ग्राम था। वहीं 1 पैसे का सिक्का पीतल से बना था, जिसका वजन 1.5 ग्राम था। अगर सिक्कों का आकार देखा जाए तो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का गोलाकार था, जबकि 10 पैसे और 2 पैसे के सिक्के का आकार कंगूरेदार था, जबकि केवल 5 पैसे के सिक्के का आकार चौकोर था। 1960 के दशक में जब धातुओं के दाम बढ़ने लगे तो भारतीय सरकार ने सिक्कों को बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल शुरू किया। एल्यूमिनियम हल्का था और सस्ता था। इसी के साथ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम धातुओं का इस्तेमाल भी सिक्कों को बनाने में किया गया। 1964 में 3 पैसे का सिक्का बनाया गया था, जिसका आकार खटकोड़ी था और इसका वजन 1.25 ग्राम था। सन 1968 में 20 पैसे के सिक्के का भी आरंभ किया गया। 1970 के आते आते बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण 3 पैसे के सिक्के का चलन बंद हो गया। 1988 में 10, 20 और 50 पैसे के नए सिक्के का चलन आरंभ हुआ। इन सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, जो न केवल सिक्कों को लंबी आयु देता था बल्कि ये बनाने में सस्ता भी पड़ता था। 1980 के दशक में सिक्कों को बनाने के लिए नई टकसाल की स्थापना की गई। ये टकसाल 1988 में दिल्ली के पास नोएडा में स्थापित की गई। नोएडा की टकसाल में बने सिक्कों के नीचे पहचान चिन्ह के रूप में एक बिंदु बनाया गया, जो सिक्के पर लिखे साल के नीचे बनाया जाता था। 1980 के दशक में जब भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था, तो भारत के बाहर भी कई जगहों पर भारत के सिक्के बनाने का काम किया गया। बर्मिंघम, हेटन प्रेस, ओटावा, मैक्सिको सिटी, कोरिया, क्रमनिका और मैक्सिको में भी भारत के सिक्कों को बनाने का काम किया गया। साथ ही 25 और 50 पैसे के सिक्के के रूप में भी परिवर्तन आया। सिक्कों के आगे के भाग में अशोक चिन्ह और सिक्के का मूल्य रखा गया। साथ ही हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया था, और इसी के साथ हिंदी और अंग्रेजी में पैसा लिखा था, जबकि पृष्ठभाग में नए चिन्हों का उपयोग किया गया था। 50 पैसे के सिक्कों के पृष्ठभाग में भारत का नक्शा और संसद को अंकित किया गया था, तो वहीं 25 पैसे के सिक्के पर गेंडे की आकृति बनाई गई थी। इन आकृतियों के ऊपर सिक्के के बनने का साल अंकित किया गया। 90 के दशक में जो मूल्य केवल नोट के रूप में ढाले जाते थे, उनको भी अब सिक्के बनने लगे। जैसे 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को नए रूप में ढाला गया। 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्यूपरों निकल के बनाए जाते थे, जबकि 1 रुपए का सिक्का स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता था। 1 रुपए और 5 रुपए का सिक्का गोल था, जबकि 2 रुपए के सिक्के का आकार कुछ अलग था, जिसमें 11 भुजाएं थी। और धीरे धीरे सिक्कों को बनाने में क्यूपरों निकल के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में सभी सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाने लगा। साथ ही पैसे के मूल्य वाले सिक्कों का प्रचलन भी कम हो गया। बाजार में वस्तुओं के बढ़ते दाम के कारण उनका उपयोग कम होने लगा था। 2011 में 10 रुपए के नए सिक्के को चलन में लाया गया। नए सिक्के के अग्रभाग में रुपए का चिन्ह 10 का अंक और 10 रेखाएं अंकित थी। पृष्ठभाग पर अशोक का चिन्ह अंकित था और साथ ही हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा था। 10 रुपए के सिक्के के बाहर का हिस्सा निकेल और कांसे का बना था, जबकि अंदर का हिस्सा फेरस स्टील का बना हुआ था। भारत की यह मुद्रा देश में विविधता में एकता को दर्शाती है। भारत में कागज के नोट का प्रचलन अर्थव्यवस्था में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। इस समय नोटों को प्राइवेट बैंक छापा करती थी, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। के ब्रिटिश इंडिया पेपर नोट एक्ट के तहत केवल ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही नोट छाप सकती थी। भारत के स्वतंत्र होने तक ब्रिटिश राज के नाम से नोटों का चलन चलता रहा, जिन पर ब्रिटिश राजा के चिन्ह बना करते थे। 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के आगे कई चुनौतियों में से एक थी मुद्रा। जिसके समाधान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1947 से 1950 तक अंतरिम काल के लिए ब्रिटिश राज के 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के नोट के इस्तेमाल को जारी रखा, जिन पर ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सिस्टम का चित्र बना होता था। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो नए नोटों का चलन शुरू हुआ। इन नोटों पर अशोक स्तंभ का चित्र बना था, साथ ही नोटों पर मूल्य को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। नोटों के मुद्रण का इतिहास शुरू होता है 1949 से, जब भारत में नोट को छापने की प्रक्रिया शुरू की गई। 1, 2, 5, 10
50 का नोट नहीं था उसमें शामिल, अन्यथा मत लीजिएगा 100, और इस तरीके के नोट छपने शुरू हुए। एक के नोट पर भारत सरकार की तरफ से गारंटी दी गई, जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी दस्तखत करता था, और आज भी वही प्रक्रिया चली आ रही है। जबकि 2 से लेकर के ऊपर के नोटों पर ये गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं प्रतिभूत के तौर पर। भारतीय रुपया मुंबई और कोलकाता के टकसाल में छपा जाता था। आगे चलकर 2 और टकसालें स्थापित की गईं, जिसमें हैदराबाद और नोएडा की टकसाल शामिल थी। इन नोटों को बनाने के लिए बालसम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, और उसके साथ ही कॉटन को भी गूदे में मिलाया जाता था। इस मिश्रण से बनने वाला कागज एक आम कागज की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत होता था, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए कागज को जिलेटिन में डुबोया जाता था। यह पद्धति सालों साल तक ऐसी ही बनी रही, जब तक टकसालों में आधुनिक मशीनों को नहीं लगाया गया। सबसे पहले फर्स्ट पेपर करेंसी वॉज इश्यूड बाय बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। उसके बाद के अंदर दोबारा इशू हुआ है, उसके बाद फिर 1773 के अंदर जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, उन्होंने इशू किया बैंक नोट। उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे शुरू के अंदर। वन वॉज द बैंक ऑफ बंगाल, द सेकेंड वॉज द बैंक ऑफ मैड्रास, एंड द थर्ड वॉज बैंक ऑफ बॉम्बे। ये सेमी गवर्नमेंट के थे, तो इन्होंने फिर नोट इशू करने इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिए। और लेकिन उसके बाद 1861 के अंदर आके टोटल गवर्नमेंट के हाथ के अंदर ये पेपर नोट इशू करने का आ गया। टिल रिजर्व बैंक हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935 अप्रैल के अंदर, जब वो आए तब उन्होंने शुरू करा है, इन्होंने कर दिया और इनकी पूरी मोनोपोली हो गई है। 1954 में 1000, 5000 और 10000 के उच्च मूल्य के नोटों को प्रचलन में लाया गया। तीनों नोटों पर अलग अलग चित्र अंकित किए गए। 1000 के नोट पर तंजौर के मंदिर का चित्र, 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र, तो 10000 के नोट पर अशोक चिन्ह अंकित किया गया। पेपर करेंसी आते ही एकदम सीन बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि पेपर की अपने आप में कोई अहमियत नहीं थी। जब पेपर की अपने आप में कोई अहमियत ही नहीं है तो पेपर कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो पेपर के पीछे होता था कि वो प्रॉमिस, आपने कहा आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच, इतना रहता था। और इसको इशू करने के पीछे पहले क्या होता था कि मेटल, जितना प्रेशियस मेटल होता था, सोना या चांदी, वो बैंक या रूलर उतना रख लेता था, स्पेशली बैंक मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद उसी रेशियो के अंदर करेंसी निकालता। अगर उसके पास 10 करोड़ का सोना है तो 10 करोड़ का पेपर करेंसी निकालता था कि अगर कोई मांगे तो मिल जाएगा। मूल्य को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। इस तरह के नोट ब्रिटिश राज के प्रचलन में भी लाए गए थे, लेकिन दुर्बल अर्थव्यवस्था के चलते उनका चलन बंद कर दिया गया था। साथ ही 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोटों को भी चलाया गया था। हर नोट के आगे के भाग में अशोक स्तंभ का चिन्ह अंकित था, लेकिन पृष्ठ भाग में अलग अलग चिन्ह अंकित थे। 2 रुपए के नोट पर बंगाल टाइगर का चिन्ह अंकित था, 5 रुपए के नोट पर हिरन का, 10 रुपए के नोट पर पानी पर चलती किश्ती का चिन्ह अंकित था, और 100 रुपए के नोट पर 2 हाथियों के चित्र को दर्शाया गया, जो भारत की जैविक विविधता को दर्शाता था। साथ ही हर नोट में एक वाटर मार्क भी बनाया गया। वाटर मार्क में अशोक स्तंभ का चित्र ही बनाया जाता था। इस तरह के वाटर मार्क नकली नोटों को रोकने के लिए जरूरी थे। करेंसी नोट्स होते हैं उनको पहले बड़े हुआ करते थे, बाद में ये छोटे होने शुरू हुए, क्योंकि वो ज़्यादा सुविधाजनक था, नंबर वन। नंबर टू ये था जो मैं आपको अभी वही बताता था, रेशियो को बता रहा था। पैसे जितने रखे जाते थे उसके कंपेरिजन में रिलेटिवली उसके पीछे सिक्योरिटी मनी ग्रेजुअली कम होनी शुरू हो गई थी। 1960 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिस कारण से भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े मूल वाले नोटों जैसे 1000, 5000 और 10000 को बंद कर दिया, और 70 के दशक में कम मूल वाले नए नोट का चलन शुरू किया गया। इनमें 20 रुपए और 50 रुपए के नोट थे। ये नोट दिखने में साफ और आधुनिक लगते थे। 20 के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र था, जबकि 50 रुपए के नोट के पीछे भारतीय संसद का चित्र था। कोणार्क मंदिर का चित्र भारत की वास्तुकला, तो संसद भारत के गणराज होने को प्रदर्शित करता था। दोनों ही नोटों में आगे अशोक स्तंभ और उनके वाटर मार्क बनाए गए थे। उच्च वर्ग के नोट जब चालू किए गए तो उसके बाद 1954 से जब इनको चालू किया गया, तो इसके बाद सबसे पहला अगर इसमें बंद किए गए तो 1954 के बाद 1978 में बहुत बड़ा
इंदिरा गांधी जी ने इस पर क्रांतिकारी कदम उठाया कि उन्होंने बड़े नोटों को मुद्रा से चलन से बाहर किया। उसमें भी वजह उस समय भी यही थी कि जो ग्रेसिन का लॉ कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। 1980 के दशक में नए स्वरूप के नोटों को जारी किया गया। इन नोटों पर बने चित्र और चिन्हों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हर चिन्ह और चित्र का अपना एक अर्थ था जो देश की प्रगति को दर्शाता था। 2 रुपए के नोट में बना आर्यभट्ट सैटेलाइट का चिन्ह भारत के विज्ञान क्षेत्र में प्रगति का परिचायक थी। वहीं 1 रुपए के नोट पर ऑयल रिंग और 5 रुपए के नोट पर खेती की मशीनरी के चित्र को छापा गया जो भारत के आधुनिकीकरण की निशानी था। 80 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के नोट बनाए। इस नोट में कई नई बातें थी। इस नोट पर महात्मा गांधी की फोटो बनाई गई थी और वाटरमार्क के रूप में अशोक स्तंभ को बनाया गया था। 1990 के दशक के आरंभ में तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहा था, जिस कारण से नोटों की सुरक्षा को देखते हुए करेंसी में बदलाव बहुत जरूरी था। इसलिए 1996 में महात्मा गांधी के चित्र वाले नोटों की सीरीज जारी की गई, जिसमें नए वाटरमार्क, नए चित्र और सुरक्षा के और भी नए इंतजाम लाए गए। नोटों को इस तरह से बनाया गया कि एक अंधा व्यक्ति भी इनको पहचान सके। इन नोटों को नई तकनीक और नई मशीनों से बनाया जाता था, जिससे ये नोट और भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके। इनमें 5, 10, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छापे गए। हर एक नोट के अगले भाग में महात्मा गांधी का चित्र बनाया गया। 2009 तक भारतीय नोट करेंसी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। भारतीय करेंसी लगभग 60 साल से चल रही थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं है जैसे डॉलर का होता है। पिछले 60 सालों में चिन्ह के रूप में रुपए को ही छोटा करके आरएस लिखा जाता रहा है। और 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राफिक डिजाइनरों के लिए भारतीय करेंसी को दिखाने की एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा बनाया गया चिन्ह चुना गया था। बेहद दिलचस्प है मुद्रा का इतिहास, ठीक उसी तरीके से जैसे मानव सभ्यता का इतिहास है। बार बार राजाओं ने, बादशाहों ने, सुल्तानों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस मुद्रा का प्रयोग किया, इसमें परिवर्तन किए। ऐसे वर्तमान स्थिति में भी तमाम सारी चुनौतियां थी भारतीय मुद्रा के सामने, उनका सामना करने के लिए इस तरह के कदम सरकार ने भी उठाए हैं। करण जबकि विद्यार्थी, लखनऊ, इंडिया 24/7।